साठ साल पहले अगर हमारे बुजुर्गों ने इस ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं दिया होता तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तकरीर भी नहीं करता। अगर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, कुर्बानी की, तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर तुम्हारे दिलों में छुपे हुई तकलीफ को बेखौफ होकर बयान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए नौजवानों, जो आज तुम इतनी बड़ी तादाद में आज यहां पर खड़े हो, नौजवानों तुमको मैं पैगाम दे रहा हूं, ये लड़ाई अगर आज असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, सैफ पठान, वारिस पठान, फैयाज खान और अगर अख्तर उल ईमान मजलिस के जिम्मेदारान लड़ रहे, तो नौजवानों सुनो, ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर मेरी आवाज मासूम स्कूल के बच्चों को पहुंच रही है तो सुनो मेरे बेटे और बेटियों, ये लड़ाई मजलिस तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।